बाइक की हालत देखो, ये देखो पूरी बाइक गंदी हो रखी है। तो बाइक 100 रुपये ले रहे हैं यार, मतलब इतना महंगा, और वो भी ग्रीन टैक्स के नाम पे। ये देखो हिमाचल की किसी गाड़ी से नहीं लेते हैं, बट आउटसाइड नंबर जो है उन सब से पैसे लिया जा रहा है। बारिश नहीं रुक रही है यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एंड बल्कि बारिश ना बहुत तेज़ हो गई है। स्नो हमें देखने को मिल रही है, बट हम आगे नहीं जा सकते, हम पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों साइड बहुत बारिश हो रही है। और सामने के होटल में देखो चल रहा फोटोशूट। ये पता नहीं किसका बिठा के लाए हैं BMW से। ये कहते हैं ये तो डालूंगा मैं, पता नहीं यार माइक रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी वॉइस कंट्रोल तो नहीं ले रहा है। मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। हम लोग अभी मनाली में, एंड सामने रिवर साइड व्यू है, एंड अगर वहाँ पे देखें ना तो दूर बर्फ़ वाले पहाड़ दिख तो रहे हैं, पर आज हम बर्फ़ पे तो बाइक चलाने ही वाले हैं। अगर वहाँ दिखाऊँ मैं आपको, वो देखो सनराइज़ हो चुका है, उस वाले पहाड़ पे धूप आ चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, एंड सामने रिवर व्यू है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। एंड रूम में तो भाई ठंड थी अच्छी खासी, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए हैं हम लोग। तो अभी बाइक निकालेंगे, चेन क्लीन करेंगे, ल्यूब करेंगे, एंड उसके बाद दिखाते हैं नज़ारा। सो ये मनाली का मेन रोड है, आगे सीधा जाएंगे तो मॉल रोड आ जाएगा, एंड पीछे की तरफ जाएंगे तो आएगा कुल्लू। एंड ये देखो ऐसा कुछ है अपना होटल, सामने पार्किंग अवेलेबल है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क हो सकती है। एंड आपको रिव्यू दे देता हूँ, रात में भाई बहुत ज़्यादा ओस पड़ी है बाइक पे, ये देखो सब कुछ गीला हो रखा है। चेन देखते हैं, ये देखो गाइस चेन की क्या हालत हो रखी है। तो अभी हम WD-40 यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम करेंगे चेन क्लीन, एंड उसके बाद मोटोमैक्स का जो है चेन ल्यूब हम यूज़ करेंगे। सबकी बाइकों में ऑलमोस्ट सेम ही हाल है, ये वाली बाइक ब्रांड न्यू है, इसका तो पूरा चेन कवर्ड ही हो रखा है, इस वजह से काफ़ी साफ़ है। बाकी तो हाँ सर्विस भी होके आई थी, सर्विस तो सबकी होके आई थी ऑलमोस्ट, पर यह कि ये बिल्कुल ही ओपन है आपका। हाँ हम यूज़ करने वाले हैं WD-40, भाई काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, देख सकते हो मॉइस्चर स्क्वीज प्रोटेक्ट्स, काफ़ी चीज़ें करता है ये एक प्रोडक्ट। ऑलराइट दोस्तों, सो पहले कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, फिर भी कोल्ड स्टार्ट काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया। RPM अभी 2000 से ऊपर है। बाइक हमारी फुली लोडेड हो चुकी है, अभी चेन क्लीन एंड ल्यूब हमने कर दिया है, सामान बांध लिया है, टैंक बैग बांध लिया है, सामने Insta360 लगा दिया है, एंड यहाँ पे स्टिक भी लगा दिया है, इससे बिल्कुल आगे वाला व्यू आएगा मस्त। ये भी रेडी है, वो भी रेडी है, ये भी रेडी है, सो नाउ वी आर रेडी टू रोल। सो Episode 2 में आपका स्वागत है, वी आर रेडी टू रोल। रास्ते पे निकलते हैं, 9:30 बजे यहाँ पे थंडरस्टॉर्म का परसेप्शन था, अभी देखो क्या होने वाला है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग रोड पे निकल चुके हैं, एंड भाई क्या है खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं। सामने वाले पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़ देखने को मिलती है, नहीं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, और काले बादल हैं ऊपर, मतलब लग रहा है कि स्नोफॉल बहुत तगड़े वाले होने वाली है। मुझे तो लग रहा है अटल टनल के आसपास ही बारिश ना हो रही हो, बट कोई नहीं, जो भी है देखा जाएगा, सह लेंगे रह लेंगे। और ये अपने बाइकर्स रेडी हैं फुल पावर नहा धो के, क्योंकि मुझे पता है आने वाले कुछ 2-3 दिन में ना इतनी ज़्यादा ठंड होने वाली है कि कोई नहाएगा ही नहीं। और साइड में नदी जो बह रही है ना बहुत ही सुंदर लग रही है, इसीलिए हम लोग पहाड़ों पे आते हैं। खाली खाली रोड्स हैं, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना मनाली आपको पता है पूरा पैक रहता है, ये वाली जो रोड्स हैं वो सारी जैम पैक्ड रहती हैं। अभी अटल टनल पहुंचते हैं, फिर आपको बर्फ़ के नज़ारे दिखाएंगे बॉयज, बर्फ़ के। यहाँ राइट साइड में आपको कैंपिंग भी देखने को मिलती है, ये देखो, तो यहाँ पे आप टेंट हाउस ले सकते हो, बिल्कुल रिवर साइड है। और यहाँ पे ब्रिज पे देखो क्या मस्त फोटोग्राफी हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जब मैं एक बार गाड़ी से आया था ना, सोचो वैगनार लेके आए थे हम, वो भी CNG वाली, वो यहाँ पे लेके आ गए थे हम, और यहाँ यहाँ से नीचे उतार के हमने यहीं खड़ी करी थी, मुझे याद है।
उस टाइम पे इतना ऊपर उठाया हुआ नहीं था ये रोड, यहाँ से नीचे उतर सकते थे, बट अब तो इन्होंने रोड ही इतना ऊपर उठा दिया है। आज का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग दारचा होते हुए ज़ांस्कार एंटर करने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि ज़ांस्कार बंद है, मतलब दारचा से हो सकता है हमें आगे ना जाने दिया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे, बट अगर रिक्वेस्ट पे भी नहीं माने तो कुछ नहीं हो सकता फिर गाइस, फिर हम कहीं और जाएंगे लिटरली में, क्योंकि छुट्टियां ले चुके हैं हम, बाइक आ चुकी है, सामान है ही हमारे पास, तो हम कहीं तो जाएंगे, बट कुछ ना कुछ तो अच्छा ही देखने को मिलेगा आपको इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। तभी तो हमें राइडर्स बोलते हैं, हम हर सिचुएशन को देख के समझ के डिसीजन ले सकते हैं। ऊपर साहब सामने बर्फ देखो गाइस, पूरा का पूरा पहाड़ बर्फ से एकदम लदा हुआ है यार, मतलब पूरी एक लेयर कवर्ड है यार, और अंधेरा हो रखा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अटल टनल पार कर लेंगे तो क्या होगा। हम लोग अभी मनाली की तरफ जा ही रहे थे, मतलब मॉल रोड की तरफ, तो यहाँ पे हमें पता लगा कि पर बाइक 100 रुपये ले रहे हैं यार, मतलब इतना महंगा, और वो भी ग्रीन टैक्स के नाम पर। अपनी गाड़ियों से नहीं लेते हैं ये, देखो हिमाचल की किसी गाड़ी से नहीं लेते हैं, बट आउटसाइड नंबर जो है उन सब से पैसे लिया जा रहा है। ये कहाँ का रूल है कि मतलब आप आउटसाइड गाड़ियों से ग्रीन टैक्स ले रहे हो, मतलब हमें एनवायरनमेंट की फ़िक्र नहीं है और आप अपने हिमाचल नंबर गाड़ियों से नहीं ले रहे हो, बहुत गलत है यार ये। सो दोस्तों यहाँ से अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो मॉल रोड आ जाएगा, बट हमें मॉल रोड जाना नहीं है, हमें जाना है सीधा अटल टनल की तरफ। और अभी से ही देखो लाइन लगनी शुरू हो चुकी है क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है, बस बारिश ना हो जाए दिक्कत हो जाएगी। सुबह के हो रहे 9:45 और देखो अंधेरा कैसे हो गया। इससे एक सीख ये और मिलती है कि जब भी आप निकलो सुबह सुबह वेदर फोरकास्ट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। भाई फुल लाइन लगी हुई है यार, क्या ही सीन है। पहले तो यहाँ से लाइन नहीं लगती थी, पहले आगे से लाइन लगा करती थी, अब तो फुल पैक है यार, फुल पैक। जाम देख के भाई लोग यहीं से घुमा ले रहे हैं जो यहाँ के लोकल हैं। थैंक गॉड अपने पास भाई क्या, वरना तो इस भीड़ में हम पीछे खड़े रहते, देख रहे हो कितना जाम है। सो फाइनली दोस्तों बाइक होने का फ़ायदा हमें हुआ है, हम काफ़ी सारा जाम जो है छोड़ के आ चुके हैं साइड साइड से, बट बूंदाबांदी जो है शुरू हो चुकी है। लेफ्ट साइड में देखो सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं हम और ठंडे इलाके में पहुँचते जा रहे हैं, एंड बारिश की बूंदें अभी वाइज़र पर पड़ रही हैं, तो सीन थोड़ा ख़तरनाक ही होने वाला है। देखो सामने तो भाई फुल स्नोफॉल है, ये राइडर्स नहीं है, ये सारे घूमने आए थे एंड इन्होंने बाइक्स ले रखी है रेंट पे, एंड ये लोग भी घूमने ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हम लोग भी सोलांग वैली तक पहुंचने ही वाले हैं, पर बारिश दिक्कत है रे बाबा, इतना हम लोग सह सकते हैं बट अगर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। कल भी हुई है यहाँ पे बारिश, रोड जो है हमें वैसे देखने को मिली है भीगी भीगी। और भाई दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है ना भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखो सबने रेनकोट पहना हुआ है, मैंने खुद रेनकोट पहना हुआ है और हालत ख़राब हो रखी है, सारा सामान गीला हो चुका है, ये देखो सब कुछ गीला है, पूरी बाइक गीली हो चुकी है। GoPro मैंने अभी निकाला है, हम हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल में, विच इज़ अटल टनल। मैं फ्रंट में फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता था, ये देखो बहुत बारिश हो रही है, वो बाइकर्स भी वहाँ पे खड़े हैं, हम लोग भी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, कैमरा वगैरह हमने अब लगा लिया है, तो देखते हैं अटल टनल पार करने के बाद कितनी विजिबिलिटी होती है, कितनी बर्फ़ पड़ने वाली है या वहाँ पे भी बारिश होने वाली है, कुछ नहीं पता, तो चलते हैं देखते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। पता नहीं यार माइक रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी वॉइस कंट्रोल तो नहीं ले रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है माइक तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा।
तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग अभी सिसु वैली में हैं और अभी चाय चल रही है, अभी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सारी तरफ बारिश ही बारिश हो रही है यार। सो दोस्तों यहाँ पे चाय पे चाय चल रही है पर बारिश नहीं रुक रही है यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड बल्कि बारिश ना बहुत तेज़ हो गई है। स्नो हमें देखने को मिल रही है बट हम आगे नहीं जा सकते, हम पीछे नहीं जा सकते क्योंकि दोनों साइड बहुत बारिश हो रही है एंड सुनने में आ रहा है कि दारचा से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं पता, चाय एंजॉय कर रहे हैं, गो विद द फ्लो करेंगे, पता है राइडर्स हैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे, जुगाड़ नहीं निकला तो यू नो रास्ता तो निकाल लेंगे, तो रास्ता वापसी का ही है फिर। नहीं करके जाएंगे, चाय वेट करके जाएंगे, बट करके जाएंगे। लेट्स सी, एंजॉयिंग टी इन दिस वेदर। तो दोस्तों डेंजर जोन है, ये स्लाइडिंग जोन है, ऊपर से पत्थर देख सकते हो कितने ही खतरनाक लग रहे हैं, बहुत ही नोकीले पत्थर बाहर निकले हुए हैं एंड साइड से देखो नदी जा रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है भाई। यहाँ पे बहुत ही अलग लेवल के पहाड़ हैं यार, खतरनाक सा सीन है यहाँ पे, ऊपर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ, तो बहुत ही सोच समझ के चलिए। हम तो पूरे गीले हो रखे हैं गाइस, पूरे गीले, मतलब बचने का कोई सीन नहीं है, ग्लव्स पूरे गीले हो रखे हैं, वो तो अच्छा हुआ, हमने रेनकोट पहना हुआ है, रेन लाइनर है तो हम बचे हुए हैं, अदरवाइज हालत ख़राब हो जाएगी यार, हालत ख़राब हो जाएगी, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। टेम्परेचर -1 -2 चल रहा है यहाँ पे, सेफ्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एक्सीडेंट इज अ एब्सेंस ऑफ माइंड। ओके भाई साहब, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पहाड़ देखो बंजर होते जा रहे हैं, वेजिटेशन खत्म होते जा रही है, बट व्यू देखो, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, क्रेजी। ऑल राइट दोस्तों, ये देखो रोड्स तो खुली हुई नहीं है बट हमें बर्फ इतनी सारी देखने को मिल गई है एंड बाइक की हालत देखो, ये देखो पूरी बाइक गंदी हो रखी है एंड व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है बट क्या करें यार, रोड्स ही बंद है तो हम क्या करें। वहाँ पे काले बादल आ चुके हैं, यहाँ पे मौसम खुल गया है, धूप है बट सारे पहाड़ जो हैं बर्फ से ढके हुए हैं। दोस्तों सीन अभी का कुछ ऐसा है, हमने कैंपिंग ले ली है और आगे अभी हम नहीं जा सकते, कल जाएंगे आगे
जैसा भी होगा जो भी अपडेट होगा कल आपको मिल जाएगा। सामने देखो स्नोफॉल हो रखे बहुत ज़्यादा। एंड ऐसा है कुछ हमारा कैंप, सामान देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी सब फैला हुआ है बट काफ़ी अच्छा है। बेड है, कंबल वगैरह सब दिया हुआ है। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी है। बट दोस्तों सीन अभी ऐसा है, पीछे कैंपिंग है और उसके आगे ना यहाँ पे किचन है, मतलब रेस्टोरेंट टाइप का है, और सब यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सीटिंग है और यहाँ पे बुखारी लगी हुई है और सबकी चल रही है चाय, तो मज़े आने वाले हैं। खाना वाना खाते हैं, देखते क्या मिलेगा यहाँ पे। वैसे मोमोज वगैरह तो अवेलेबल है, वो खाते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा पर वैसे तो मतलब हमने कुछ किया नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो जैसा भी है मैंने आपको सिनेमैटिक में दिखा दिया। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सेफ एंड बाय बाय।